मैं सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने साइड में, और आफ्टर सेशन मैं रिकॉर्डिंग आपको से शेयर कर दूँ, ठीक है? सो डिस्कशन हम स्टार्ट करें। माइक आप म्यूट रखिए, कोई क्वेरीज होगी तो आप अनम्यूट कर सकते। आई थिंक हमने फर्स्ट क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया है, क्या टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे अपनी पूरी सेशन में, राइट, पूरी ट्रेनिंग के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डे वन सेशन से। सो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की, पालो ऑल्टो 14.8 एंड चेक पॉइंट फायरवॉल से स्क्वायर फीडिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। अगर आप पालो ऑल्टो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की लिस्ट आप निकालोगे तो ये एक रिपोर्ट है, इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, ये गार्टनर की रिपोर्ट। और ये सारे वेंडर्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनाते हैं, ये सारे वेंडर हैं। जैसे राउटर्स के लिए हमारे पास सिस्को होता है, एल्कटेल होता है, नोकिया होती है, वैसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के लिए ये सारे वेंडर्स हैं। और गार्टनर एक एजेंसी है जिसने सर्वे किया और डिसाइड किया कि मार्केट में लीडर कौन सा है। सी उसने इन सारे वेंडर्स को डिवाइड किया 4 कैटेगरीज में, लीडर्स, चैलेंजर्स, नाइस प्लेयर एंड बिगिनर्स। तो अगर आप लीडर की बात कर रहे हो तो ये सारे आपके लीडर्स हैं, पालो ऑल्टो, 14.8 एंड चेक पॉइंट, ये तीन जो वेंडर हैं ये मार्केट में लीडर है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के फीचर्स के लिए। बाकी आपके पास सिस्को भी है, सिस्को का FTD बॉक्स आता है, वो चैलेंजर है, ठीक है ना। वो बिकॉज क्या है, सिस्को का जो FTD बॉक्स वो चैलेंजर इसलिए है क्योंकि उस बॉक्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उससे कम उसकी उस सिंगल FTD की कॉस्ट में आप दो पालो ऑल्टो, दो तीन 14.8 फायरवॉल आप ले सकते हो। तो आपको लिमिटेड कॉस्ट के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इसलिए 14.8 और पालो ऑल्टो क्या है, लीजर है। सिस्को, जूनिपर, हुआवे, बैराकूडा, वॉच गार्ड, ये सारे वेंडर्स हैं। हमारा फोकस किस पे, लीडर पे, और उसके अंदर हम किस पे बात करने वाले हैं, पालो ऑल्टो फायरवॉल। सो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं स्लाइड के थ्रू। तो हमने ये तो डिस्कशन कर लिया क्या टॉपिक हम पूरे ट्रेनिंग में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर क्यों, बिकॉज अगर मैं सिस्को डिवाइस के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे उसकी सीरीज पता है। अगर मुझे सी से नहीं किया हुआ है तो मुझे राउटर्स की सीरीज पता है, मुझे स्विचेस की सीरीज पता है, राइट। और जैसा मेरा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसी मेरी ट्रैफिक होगी, नेटवर्क होगी, उसके हिसाब से मैं जो हार्डवेयर डिवाइस है वो मैं परचेज करूंगा। तो यहाँ पे हम उसी तरह के डिस्कशन करने वाले हैं प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर के बारे में पहले, यानी हम बात कर रहे हैं डिवाइसेस के बारे में। तो ये सारे सीरीज हैं आपके पालो ऑल्टो फायरवॉल की। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास पालो ऑल्टो 5000, पालो ऑल्टो 5000, 2000, 5000, 7000 सीरीज के फायरवॉल्स हैं। ये सारे फायरवॉल्स किधर आप यूज करते हो, ये आप डेटा सेंटर के अंदर यूज कर सकते हो, ये आपके पास लार्ज एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आप यूज करते हो ये फायरवॉल इस सीरीज के फायरवॉल्स। मीडियम साइज के नेटवर्क के लिए आपके पास फायरवॉल क्या है, PA 3000, 800, 500, ये सारे इस सीरीज के फायरवॉल्स आप यूज कर सकते हो मीडियम साइज के नेटवर्क के लिए। और अगर आपके पास स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आप 50 कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहे हो, 100 कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हो, तो आप इन सीरीज के फायरवॉल्स को इसके साथ जा सकते हो, जैसे PA 220 या PA 200। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे PA 200 कैसा दिखता है, अगर हम रट के बारे में निकालें, अगर पालो ऑल्टो 220, तो आपके पास ये 220 का एग्जांपल, ये एक हार्डवेयर बॉक्स है आपके पास, और इसमें आपके पास क्या है, डेटा इंटरफेसेस हैं, ये सारे डेटा इंटरफेसेस। इसमें 8 पोर्ट आपको दिख रहे हैं ईथरनेट के, एक पोर्ट आपको मिलेगा मैनेजमेंट के लिए जिससे आप इसे एक्सेस कर सकते हो, दूसरा कंसोल के लिए है, कंसोल के लिए एक और पोर्ट आती है, उसका केबल अलग आता है, ये आपका USB टाइप का होता है। नेक्स्ट आपके पास ये USB पोर्ट है, ये आपका एग्जाम्पल किसका, PA 220। बट अगर आपके पास PA 200 सीरीज का अगर 200 ही फायरवॉल है, PA 200, तो डिफरेंस आपको क्लियर होगा कि ये भी आपका पूरा का पूरा फायरवॉल है, बट यहाँ पे जो इंटरफेसेस है, डेटा इंटरफेसेस, वो सिर्फ चार है, दिख रहा है आपको। यानी आप जब सीरीज, जो भी सीरीज का फायरवॉल आप लेते हो उस पर पोर्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप
आपको सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको चाहिए तो आप P200 के साथ चले जाओ, सिर्फ 4 पोर्ट हैं, अगर तो आपको लगता है ऐसे काम चल सकता है। अदरवाइज आप किसके लिए जाओ, आप जाओ PA220 के साथ। इसके बाद आपके पास क्या है, 8 पोर्ट्स हैं, तो ये आपके पास कुछ सीरीज के फार्वल्स है, ठीक है। ये 7500, 5500, 5200, 3800। अब ये तो कुछ मैंने सीरीज ली हुई है, बट आपको लगता है कि आपको और भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि कौन कौन से सीरीज के फार्वल्स आते हैं, तो आप इस URL को यूज कर सकते हो, followalto.com/product/secure-the-network/next-generation-firewall। ओके, अब हम ये बात कर लेते हैं कि कैपेबिलिटी क्या है, जैसे मैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरा कौन सा फार्वल सुटेबल होगा ये मुझे पता होना चाहिए। तो जैसे आपके पास ऑप्शन है क्या, ये एक स्लाइड मैंने लिया हुआ है, स्लाइड के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल लिए, अदरवाइज बहुत सारे सीरीज के फार्वल्स हैं, तो ये मैंने कुछ सीरीज के फार्वल्स लिए हैं उनकी स्पेसिफिकेशन या उनकी कैपेबिलिटी समझने के लिए। जैसे आप अगर आपके पास अगर PA200 सीरीज का फार्वल बॉक्स है तो वो आपको फार्वल थ्रूपुट दे सकता है 100 Mbps का, और 50 Mbps डेडिकेटेड होती है थ्रेट प्रिवेंशन के लिए। अब थ्रेट प्रिवेंशन है क्या, तो आपको याद होगा हमने हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पास एक टॉपिक है कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी मैं आपको दिखाता हूँ, एक टॉपिक है हमारे पास कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी के अंदर आप डिस्कशन करते हैं थ्रेट प्रिवेंशन। तो थ्रेट प्रिवेंशन है क्या, ये हम उस जब वो टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो बात करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मशीन आपको मेरी आवाज आ रही है, मशीन आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सर आ रही है सर आवाज। ठीक है ओके, कोई क्वेरी चुकी तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर, श्योर। नाउ ये ओके, अब यहाँ पे क्या है, 50 Mbps डेडिकेटेड होता है थ्रेट प्रिवेंशन की टेक्निक के लिए, और ये फार्मूला आपका सपोर्ट करता है 64,000 सेशन, और इसके पास क्या है 4 copper gigabit port। यस, अगर अभी आपने वेरीफाई किया था गूगल के थ्रू कि अगर आप ये 200 यूज कर रहे हो तो इसके पास क्या है, सिर्फ आपके पास 4 ports हैं, या अभी तक आपके पास पोर्ट है ये 4 ports डेटा इंटरफेसेस, लिमिटेशंस आप कह सकते हो इसकी है। ओके, आपके पास अगर आपको हाइयर सीरीज के फार्म के साथ जाना है, यानी आपके पास पी एफ आप थोड़ा सा हाइयर सीरीज का फार्म आपको चाहिए, जैसे आप जा रहे हो PA500 के साथ, तो PA500 आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, 250 Mbps का फार्वल थ्रूपुट, 100 Mbps आपका थ्रेड प्रिवेंशन के लिए डेडिकेटेड है, और ये सपोर्ट करेगा 64,000 सेशन। यहाँ पे आपके पास क्या है, जो पोर्ट की जो रेंज है वो आपकी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे 8 copper gigabit port। आप इससे भी हाइयर के साथ जा सकते हो, PA320 इसका फार्वल थ्रूपुट 2 Gbps है, 1 Gbps थ्रेड प्रिवेंशन के लिए है, और ये नंबर ऑफ सेशन सपोर्ट करेगा 250,000 सेशन, और यहाँ पे 8 SFP port हैं एंड 12 copper gigabit port। ये आप हाइयर सीरीज के साथ जा सकते हो, देखो आप हर हाइयर सीरीज के साथ उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सेशन इंक्रीज हो रहा है, पावर थ्रूपुट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ पोर्ट इंक्रीज हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है जितेश, मशीन, सचिन, रोनल? यस सर। अब ये जो बॉक्स है ये फिजिकल बॉक्स है आपके पास, तो अगर आप पालो ऑल्टो के साथ काम कर रहे हो, आपको फिजिकल बॉक्सेस चाहिए, तो आप इन सीरीज के फार्वल्स के साथ काम कर सकते हो। बट पालो ऑल्टो लाइक अदर वेंडर लाइक 14.8 लाइक सिस्को, पालो ऑल्टो भी आपको क्या प्रोवाइड करता है, वर्चुअल अप्लायंसेस। यानी अगर आपके नेटवर्क में अज्यूर का एनवायरमेंट है, AWS का एनवायरमेंट है, या VMware का एनवायरमेंट है, और आपको वहाँ पे पूरा एक फार्वल डिप्लॉय करना है, तो जैसे सिस्को के अंदर आप एग्जाम्पल ले लो, सिस्को फायरवॉल के अंदर क्या होता है, अगर आपको सिस्को ASA मिल रहा है, ऐसे सिस्को ASA, इसका मतलब आप एक फिजिकल बॉक्स की बात कर रहे हो, और अगर आपको मिल रहा है सिस्को ASA और स्मॉल V यहाँ पे मिल रहा है, आपको स्मॉल V आपको यहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फायरवॉल है, ये पूरा का पूरा सिस्को ASA फायरवॉल है, बट इस ये फायरवॉल क्या है, वर्चुअलाइजेशन, यानी VM फायरवॉल, ये पूरा फायरवॉल है, बट आप इसको वर्चुअलाइजेशन एनवायरमेंट में यूज कर सकते हो, ये फिजिकल बॉक्स नहीं है, आप AWS या Azure के एनवायरमेंट में उसे यूज कर सकते हो। सेम वैसा ही पालो ऑल्टो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। पालो ऑल्टो क्या कर रहा है, या तो आप फिजिकल अप्लायंस के साथ चले जाओ या आप VM फायरवॉल के साथ चले जाओ। ये कुछ सीरीज मैंने लिया हुआ है, आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी सीरीज मिल जाएगी, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ सीरीज लिया हुआ है, तो ये पालो ऑल्टो के VM सीरीज के फायरवॉल्स हैं।
आप अगर देखो तो कुछ सीरीज मैंने लिया हुआ पी ए वी एम 500, पी ए वी एम 1000 एच पी, पी ए वी एम 300, 100 एंड 50। अब एग्जाम्पल इसका पी ए वी एम 500, ये ऐप आई डी फाइबर थ्रूपुट देगा आपको 8 Gbps। अब ऐप आई डी क्या है, इसके लिए एक पूरा टॉपिक है, क्या ऐप आई डी चैप्टर नंबर 6 क्या होता है हम बात करेंगे। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है कि ऐप आई डी का फाइबर थ्रूपुट 8 Gbps, थ्रेड प्रिवेंशन 4 GB, कनेक्शन पर सेकेंड। अब ये हायर सीरीज के हैं और ये आपका लोअर सीरीज का है, तो या तो आप फिजिकल बॉक्स के साथ जाओ इनके साथ, या आपके पास वर्चुअलाइजेशन का एनवायरनमेंट है तो आप जा सकते हो क्या पीएम फॉरवर्ड के साथ। क्लियर है मेरी बात? नो, अब पोलो ऑल्टो, जो पोलो ऑल्टो फाइबर की हम बात करते हैं तो ये आपका पोलो ऑल्टो फाइबर है, तो आप उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका पोलो ऑल्टो आर्किटेक्चर। पोलो ऑल्टो आर्किटेक्चर, सो पोलो ऑल्टो एक आर्किटेक्चर फॉलो करता है ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए, उसे कहते हैं SP3 आर्किटेक्चर। तो ये आपका एक पूरा पोलो ऑल्टो फायरवॉल है, ओके, पूरा का पूरा एक पोलो ऑल्टो फायरवॉल। इवन सीरीज में मैंने डिफाइन किया कि PA200 फॉर एग्जाम्पल है, तो पूरा का पूरा पोलो ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स है। तो आप ये क्लियर करो कि पोलो ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स आपका दो डिफरेंट प्लेन में डिवाइडेड होता है, एक होता है आपके पास कंट्रोल प्लेन और दूसरा होता है डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन को हम कहते हैं मैनेजमेंट प्लेन। कंट्रोल प्लेन के अंदर आपके पास डेडिकेटेड रैम, CPU, हार्ड डिस्क आपको मिलेगा, और इस कंट्रोल प्लेन को कहते हैं मैनेजमेंट प्लेन, यानी आपका जो पोलो ऑल्टो फायरवॉल पे जो मैनेजमेंट पोर्ट है वो किसका पार्ट है, कंट्रोल प्लेन का। यानी मेरे पास मैनेजमेंट PC है और मुझे इस पोलो ऑल्टो बॉक्स को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं उसे किससे कनेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लेन से। तो आपको पोलो ऑल्टो फायरवॉल दो डिफरेंट प्लेन में डिवाइडेड है, पहले कहते हैं कंट्रोल प्लेन, दूसरा होता है डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन किस लिए है, मैनेजमेंट प्लेन, इसे मैनेजमेंट प्लेन आप कहते हैं। यानी जब भी आपको पोलो ऑल्टो फायरवॉल में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कंट्रोल प्लेन के थ्रू आप एक्सेस करते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, डेटा प्लेन। डेटा प्लेन क्या होता है, जो डेटा ट्रैफिक आपकी जाती है, डेटा ट्रैफिक यानी आपके बॉक्स से ट्रैफिक लैन से वैन की तरफ जा रही है या लैन से DMZ की तरफ जा रही है, तो ये आपका डेटा प्लेन का पार्ट। अब डेटा प्लेन में आपके पास क्या है, डेटा प्लेन में आपके पास फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक आपकी आगे यहाँ हिट कर रही है, तो डेटा प्लेन के अंदर 3 सेपरेट प्रोसेसर्स हैं आपके पास। डेटा प्लेन के अंदर 3 सेपरेट प्रोसेसर हैं, यहाँ पे कहते हैं हम इसको सिग्नेचर मैच प्रोसेसर, मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर एंड नेटवर्किंग प्रोसेसर। तो पोलो ऑल्टो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए एक आर्किटेक्चर यूज करता है जिसे कहते हैं SP3 आर्किटेक्चर, जिसका फुल फॉर्म है सिंगल पाथ पैरेलल प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, पहले आप ये डिस्कशन करो, आप सबको थोड़ा सा आइडिया होगा UTM बॉक्स के बारे में, सुना है समझे ना, UTM बॉक्स सबको UTM बॉक्स के बारे में पता है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। कंपनी क्या करती है, कंपनी मल्टीपल डिवाइसेस की जगह एक सिंगल बड़ा सा बॉक्स लेती है UTM डिवाइस, और सिंगल UTM बॉक्स के अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं। तो पहले कंपनी क्या करती थी, एक सिंगल UTM बॉक्स लेती थी और उसके अंदर आपके पास क्या लगा है, डिफरेंट मॉड्यूल्स लगे हुए, जैसे नेटवर्किंग प्रोसेसर लगा हुआ है, एंटीवायरस का प्रोसेसर लगा हुआ है, IPS इंजन लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक और इंजन आपका लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 इंजन लगेंगे, ओके, मैं बात कर रहा हूँ UTM बॉक्स की। तो पहले क्या होता था, ट्रैफिक जैसे ही अगर यहाँ पे आके हिट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इंग्रेस इंटरफेस पे हिट कर रही है और ट्रैफिक जाने की कोशिश कर रही है, तो इस ट्रैफिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पहले वो चेक करेगा। यानी ट्रैफिक जैसे इंग्रेस इंटरफेस पे हिट कर रही है तो नेटवर्किंग प्रोसेसर नेटवर्किंग से रिलेटेड टास्क को चेक करेगा, और उसने प्रोसेस कर लिया तो उस ट्रैफिक को सबमिट करेगा अगले इंजन को, अगले प्रोसेसर को, फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस इंजन है या IPS इंजन है, ओके, या वेब फिल्टरिंग इंजन है आपके पास, प्रॉक्सी है। तो पहले आपका आया एंटीवायरस के पास, उसने प्रोसेस किया, उसने उस इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ मेलिसियस इंफॉर्मेशन निकाली, तो आपका एंटीवायरस इंजन क्या कर रहा है, एंटीवायरस रिलेटेड प्रोसेस को चेक कर रहा है, देन वो सबमिट करेगा आगे IPS को, फिर आगे को सबमिट कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेसिंग कर रहा है इस ट्रैफिक के साथ, ये पैरेलल नहीं कर रहे है, ये 1x1। जैसे अगर ये 1 सेकंड लेता है, एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 सेकंड लेता है डेटा को ट्रैफिक को प्रोसेस करने के लिए, तो 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड और 1 सेकंड, सो टोटल इस ट्रैफिक को प्रोसेस होने के लिए कितना सेकेंड चाहिए, 4 सेकेंड। और अगर आपका एक इंजन फेल हुआ तो प्रॉब्लम हो गई आपके पास,
क्योंकि ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं, पैरेलली कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्लियर है? यूटीएम बॉक्स के अंदर पॉलो ऑल्टो ये काम नहीं करता। पॉलो ऑल्टो क्या फॉलो करता है? सिंगल पाथ पैरेलल प्रोसेसिंग। पॉलो ऑल्टो कहते हैं, पॉलो ऑल्टो जस्ट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, उसे कहते हैं SP3 आर्किटेक्चर। पॉलो ऑल्टो क्या करता है, जब ट्राफिक आपकी किसी इंग्रेस इंटरफेस पर अगर हिट कर रही है, तो मैंने बोला डेटा प्लेन के अंदर 3 सेपरेट प्रोसेसर होते हैं, सिग्नेचर मैच प्रोसेसर, मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर एंड नेटवर्किंग प्रोसेसर। जब ट्रैफिक आके आपकी हिट कर रही है इंग्रेस इंटरफेस में, तो ये क्या करेगा, ये 3 कॉपी बनाएगा उस ट्रैफिक की, उस ट्रैफिक इंफॉर्मेशन की 3 कॉपी बनाएगा और सबको सबमिट करेगा। 3 कॉपी बनाया उसने और उसने तीनों प्रोसेसर को क्या किया, सबमिट किया। और अब वो क्या कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका सिग्नेचर मैच प्रोसेसर एक सेकेंड ले रहा है प्रोसेस होने के लिए, ये एक सेकेंड ले रहा है, ये एक सेकेंड ले रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेसिंग होती हो रही है ये पैरेलली हो रही है, पैरेलली हो रही है, ठीक है ना, वन बाय वन स्टेप नहीं है, यानी इस पूरे ट्रैफिक को प्रोसेस होने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा। तो ये बेनिफिट है आपको पॉलो ऑल्टो फायरवॉल का। पॉलो ऑल्टो क्या करता है, ट्रैफिक को प्रोसेस करने के लिए SP3 आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, सिंगल पाथ पैरेलल प्रोसेसिंग, क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, पैरेलली कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है? इसको थोड़ा और डिटेल में देखें। रितेश, सचिन, मोशिन, टनल, इसको और डिटेल में देखें। यस सर, श्योर। सो हम यहाँ पे आते हैं Palo Alto SP3 आर्किटेक्चर। ओके, सो अभी आपने डिस्कशन किया कि पॉलो ऑल्टो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए एक आर्किटेक्चर यूज करता है, जिसे कहते हैं SP3 आर्किटेक्चर, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग और सिंगल पाथ पैरेलल प्रोसेसिंग, दोनों सेम ऑप्शन। सो अभी मैंने बोला पॉलो ऑल्टो जो फायरवॉल है वो दो डिफरेंट प्लेन में डिवाइडेड है, जिसे आप कहते हो कंट्रोल प्लेन और दूसरा आप कहते हो डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का। सो कंट्रोल प्लेन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसे आप कह रहे हो मैनेजमेंट प्रोसेसर, और जो आपका डेटा प्लेन है उसके अंदर 3 सेपरेट प्रोसेसर लगे हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हो, नेटवर्किंग प्रोसेसर, सिक्योरिटी प्रोसेसर एंड कंटेंट प्रोसेसर। नाउ अब यहाँ पे बात करते नीचे, यहाँ पे अभी हमने क्या डिस्कशन किया कि सेपरेट प्रोसेसर है, तो नेटवर्किंग प्रोसेसर का काम क्या होता है, जो नेटवर्किंग प्रोसेसर है उसका रोल क्या है। तो नेटवर्किंग प्रोसेसर का काम है राउटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना, फ्लो लुकअप, स्टेटस काउंटिंग, नेट कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करना एंड सिमिलर फंक्शंस आर परफॉर्म ऑन नेटवर्क स्पेसिफिक हार्डवेयर। जितने भी नेटवर्किंग से रिलेटेड टास्क है उसको परफॉर्म कौन करता है, नेटवर्किंग प्रोसेसर। नाउ कॉन्सेप्ट आपके पास होता है क्या, यूजर आईडी, ऐप आईडी और जो पॉलिसी वगैरह आप कॉन्फ़िगर करते हो पॉलिसी ट्रैफिक को अलाउ करने के, या आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इसके लिए जो डेडिकेटेड प्रोसेसर है उसे कहते हैं मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर। सो मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर का काम क्या है, यूजर आईडी, ऐप आईडी, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए कौन सा है, मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर। आप अगर टॉपिक्स देखोगे तो आपके पास ऐप आईडी भी एक टॉपिक है, यूजर आईडी भी एक टॉपिक है। नाउ कंटेंट आईडी, कंटेंट आईडी के लिए जो डेडिकेटेड प्रोसेसर उसे कंटेंट प्रोसेसर ही कहते हैं, तो यहाँ पे इसे सिग्नेचर मैच प्रोसेसर कहते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक है कंटेंट आईडी, कंटेंट आईडी के अंदर आप टॉपिक डिस्कशन करते हैं, इसके अंदर टॉपिक डिस्कशन करते हैं आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को। सिक्योरिटी प्रोफाइल एक कॉमन टॉपिक है जो 14 में भी होता है, पॉलो ऑल्टो में होता है, सिस्को FTD बॉक्स में भी आपको मिलेगा, चेक पॉइंट फायरवॉल में भी मिलेगा आपको। तो आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स यहाँ बनाते हो, फॉर एग्जांपल एंटी वायरस प्रोफाइल, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, ओके वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल या फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल। सो मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोफाइल्स आप यहाँ पे बनाते हो, इन सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो प्रोसेसर होता है उसे कहते हैं कंटेंट प्रोसेसर, या इसको कहते हो सिग्नेचर मैच प्रोसेसर।
ओके कंट्रोल प्लेन के अंदर, कंट्रोल प्लेन के अंदर एक डेडिकेटेड प्रोसेसर होता है, उसे कहते हैं मैनेजमेंट प्रोसेसर, और वो मैनेजमेंट के टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। तो ये आपका फायरवॉल है। एक फिर से यहाँ पे आते हैं, हमने क्या डिस्कशन किया, सिग्नेचर मैच प्रोसेसर, या इसको आप बोलते हो कंटेंट प्रोसेसर, मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर, ओके, एंड देन आपका नेटवर्किंग प्रोसेसर। सो यहाँ पे पालो ऑल्टो जो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है, तो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए वो जिस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है उसे कहते हैं SP3 आर्किटेक्चर। इसका मतलब ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए वो पैरेलली प्रोसेस करते हैं ट्रैफिक को, यानी जैसे इंग्रेस इंटरफेस पे हिट करेगा वो उसकी कॉपी बनाएगा उस पैकेट की, और तीनों इंजन को सबमिट करेगा, तीनों प्रोसेसर को सबमिट करेगा, वो पैरेलली प्रोसेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो ये पैरेलली प्रोसेस कर रहे हैं ट्रैफिक को, सिर्फ 1 सेकेंड में आपकी ट्रैफिक क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। क्लियर है SP3 आर्किटेक्चर फॉर ऑल्टो का? रेज द चेन मशीन टनल। नाउ अभी हमने क्या डिस्कशन किया कि पालो ऑल्टो फायरवॉल जो है वो दो डिफरेंट प्लेन में डिवाइडेड है। कौन कौन सा प्लेन है? कंट्रोल प्लेन एंड दूसरा डेटा प्लेन। सो कंट्रोल प्लेन के बारे में डिस्कशन करते हैं फिर से। तो हमारा ये पालो ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स है, और पालो ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स से मेरा एक इंटरफेस है, ये मैनेजमेंट इंटरफेस, मैनेजमेंट इंटरफेस यानी कंट्रोल प्लेन की बात कर रहा हूँ। ये आपने एक मैनेजमेंट पीसी यहाँ पे कनेक्ट किया मैनेजमेंट पोर्ट से, मैनेजमेंट पोर्ट आपका पार्ट किसका है? कंट्रोल प्लेन का। तो ये आपका MGMT पोर्ट है, ये आपका किसका पार्ट है? कंट्रोल प्लेन का। तो ये आपने मैनेजमेंट पीसी कनेक्ट किया, एक आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया और आप उसे एक्सेस कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट पोर्ट आपका पार्ट है कंट्रोल प्लेन का। सो कंट्रोल प्लेन ओनली फॉर टू ट्रैफिक, टू द फायरवॉल जो ट्रैफिक आपकी यूज फॉर मैनेजमेंट, एंड आपका कंट्रोल प्लेन रिस्पॉन्सिबल भी होता है ऐसे के लिए। आप एक टॉपिक स्टडी करेंगे मेरे साथ पालो ऑल्टो फायरवॉल के अंदर, इसे कहते हैं फेल ओवर कॉन्सेप्ट, या कहते हैं उसको हाई अवेलेबिलिटी। जो हाई अवेलेबिलिटी आप करते हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल प्लेन ही होता है। सेशन सिंक्रोनाइजेशन, यानी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप एक जगह कर रहे हो वो सेशन सिंक्रोनाइज होकर दूसरी जगह रेप्लिकेट कर रही है, वो भी कंट्रोल प्लेन के थ्रू ही होता है। लॉगिंग यानी लॉग्स की बात कर रहे हैं, यानी आपके पालो ऑल्टो फायरवॉल पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल इंटरफेसेस है, ये डेटा इंटरफेस है आपका, ये डेटा इंटरफेस है, ये डेटा इंटरफेस है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लैन है आपका, ये TMJIT है, और ये वैन पोर्शन है। जब भी ट्रैफिक आपके थ्रू द फायरवॉल जा रही है उसकी लॉग आपको स्टोर करनी है। लॉग स्टोर करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप पालो ऑल्टो फायरवॉल पे रहने दीजिए, या आपके पास ऐसा सिनारियो है कि आपके पास एक स्विच है यहाँ पे, और ये जो आपका मैनेजमेंट पोर्ट है इसकी केबल आके लग गई यहाँ पे स्विच के पास, और जो आपका मैनेजमेंट पीसी है वो कनेक्ट हो गया है स्विच के साथ, और यहाँ पे आपके नेटवर्क में सर्वर्स हैं, ये आपका सिसलॉग सर्वर है, या हो सकता है आपके नेटवर्क में SNMP सर्वर लगा है लॉग्स को स्टोर करने के लिए। जितने भी लॉगिंग ऑप्शन है, लॉग्स के ऑप्शन है, बाई डिफॉल्ट वो कौन सा पोर्ट यूज करते हैं स्टोर करने के लॉग्स को? मैनेजमेंट पोर्ट, कंट्रोल प्लेन को। बट हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सिसलॉग सर्वर है, सिसलॉग सर्वर या जो SNMP सर्वर, वो आपने यहाँ DMZ साइट में लगाया हो सकता है, तो आप ये बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट रिमोट लॉगिंग, ये लॉगिंग के जो ऑप्शन है वो मैनेजमेंट प्लेन के साइड में होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसका बिहेवियर आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका जो सिसलॉग सर्वर या SNMP सर्वर वो किधर लगा हुआ है, DMZ साइट में लगा हुआ है। तो हम बात करेंगे कैसे हम चेंज करते हैं। बट अभी अभी क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लॉगिंग का ऑप्शन, जो लॉग्स वगैरह स्टोर करते हो वो भी कंट्रोल प्लेन का एक पार्ट है। सिग्नेचर अपडेट आप करते हो, पालो ऑल्टो क्या है? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, तो वो क्या कर सकता है? एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है, मेलिशियस URL को डिटेक्ट कर सकता है, राइट, और मेलिशियस डेटा को डिटेक्ट कर सकता है, वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन आपके पालो ऑल्टो फायरवॉल के बॉक्स के पास सिग्नेचर अपडेट प्रॉपर होने चाहिए। अगर सिग्नेचर अपडेट है, यानी आपने प्रॉपर एप्लीकेशन सिग्नेचर, URL की इंफॉर्मेशन या एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस डाउनलोड कर लिया पालो ऑल्टो की साइट से, तो आपका फायरवॉल अप टू डेट है और वो डिटेक्ट कर सकता है वायरसेस को, मेलिशियस URL को, एप्लीकेशन को। लेकिन सिग्नेचर अपडेट करने की जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सिग्नेचर अपडेट यानी सिग्नेचर डाउनलोड करने के लिए बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट आप यूज करते हो वो कंट्रोल प्लेन यूज करते हो, यानी आपके नेटवर्क में सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा होगा कि आपने एक सेपरेट वाईफाई कनेक्शन लिया हुआ है, सेपरेट वाईफाई कनेक्शन,
एक तो ये वैन लिंक आपका जा ही रहा है, ये डिफरेंट है, आपने एक सेपरेट वाईफाई कनेक्शन लगाया हुआ है, इस वाईफाई कनेक्शन को आपने स्विच से कनेक्ट किया, और बाय डिफॉल्ट सिग्नेचर डाउनलोड करने के लिए ये मैनेजमेंट पोर्ट को ही यूज करता है बाय डिफॉल्ट। तो जैसे ये एक मशीन है, इसको अगर इंटरनेट की तरफ जाना हो, इसके पास क्या चाहिए? आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, डीएनएस की एंट्री, राइट? तब वो ट्रैफिक आपकी मॉडम से होते हुए बाहर चली जाएगी। सेम वैसे ही अगर ये आपका पालो अल्टो का मैनेजमेंट पोर्ट, अगर ये सिग्नेचर्स डाउनलोड करना चाहता है, बाय डिफॉल्ट ये कंट्रोल प्लेन को यूज करता है, और अगर सिग्नेचर, ये एक इंटरफेस है, मैनेजमेंट पोर्ट क्या है, एक इंटरफेस है, तो अगर इसको भी इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट के पास जाना हो, इंटरनेट जाना हो, यानी updates.paloaltonetworks.com पे जाके सिग्नेचर डाउनलोड करना है, तो इस इंटरफेस के पास भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन का मतलब आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, डीएनएस की एंट्रीज बॉक्स पे होनी चाहिए। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बट ऐसा हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके कंट्रोल प्लेन के साइड में आपके ऑर्गेनाइजेशन ने वाईफाई मॉडम लगाया नहीं, उन्होंने कहा हमारे पास एक ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये जो वैन इंटरफेस की तरफ गया हुआ, दैट्स इट, हमने मल्टीपल इंटरनेट नहीं लगा रखा। तो आप इस बिहेवियर को चेंज कर लो। आप चाहते हो कि जो सिग्नेचर डाउनलोड करना है, वो सिग्नेचर अपडेट करना है, वो आपको इस इंटरफेस से करना है, डेटा इंटरफेस। तो आप ये बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करते हैं वो हम लैब में बात करेंगे, बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट कंट्रोल प्लेन को यूज करता है। टर्नल क्लियर है आपको, लेकिन आप इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो अभी क्या ये कंट्रोल प्लेन का ऑप्शन है, बट ये जो इंटरफेसेस, ये इंटरफेसेस आपका डेटा इंटरफेस है, ये इंटरफेस आपका डेटा इंटरफेस है, ये इंटरफेस आपका डेटा इंटरफेस है, ये सारे डेटा इंटरफेस किस लिए है? ट्रैफिक के लिए, यूज फॉर थ्रू ट्रैफिक। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पालो अल्टो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे हम सिस्को के अंदर काम करते हैं, सिस्को बॉक्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे iOS कहते हैं, राइट? अगर आप 14 के अंदर काम करते हो तो 14 के अंदर कहते हैं 40OS, वैसे ही पालो अल्टो के अंदर उसे कहते हैं PAN OS। ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है? लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पालो अल्टो आपका क्या होता है? जोन बेस्ड फायरवॉल होता है। तो आप पहले ये क्लियर कर लो, आपका पालो अल्टो फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल, सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस, ये जो वेंडर है ये जोन बेस्ड फायरवॉल है। 14.8 आपका जोन बेस्ड फायरवॉल नहीं है, ये क्लियर रखना, 14.8 एक सेपरेट है। हाँ, पालो अल्टो, चेक पॉइंट फायरवॉल, सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस, ये डिवाइसेस क्या है आपके? जोन बेस्ड फायरवॉल। तो अगर ये जोन बेस्ड फायरवॉल है, इसका मतलब क्या है? तो अगर आप किसी भी जोन बेस्ड फायरवॉल के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फायरवॉल है, और अगर आप किसी भी जोन बेस्ड फायरवॉल के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जोन आपको मैन्युअली क्रिएट करना होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को सिस्को ASA फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक पता हो, और अगर नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चैनल पे जाके थोड़ा सा स्टडी सिस्को ASA, अगर आपको अगर ऐसे 6 वीडियो पड़ी हुई है उस पर, ठीक है, अगर आपको स्टडी भी करना है, तो आप सिस्को ASA वाले प्लेलिस्ट में जाके कुछ वीडियो पढ़िए, 6-7 वीडियोस, वहां से आप सिस्को ASA को रिवाइज कर सकते हो। ये सिस्को ASA फायरवॉल है, बेसिक्स रिवाइज कर सकते हो, बट हमारा फोकस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे है। सिस्को ASA क्या है? सेकंड जनरेशन फायरवॉल है, पालो अल्टो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। बट आपको अगर बेसिक आइडिया कहते हैं कि स्टार्ट करने के लिए, जैसे आपको अगर नेटवर्किंग स्टार्ट करने तो CCNA स्टार्ट करते हैं, वैसे ही अगर फायरवॉल स्टार्ट करना है तो पहले सिस्को ASA स्टार्ट करते हैं, राइट? बट आपके अगर आपको बेसिक आइडिया लेना है तो आप वहां से ले सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप सिस्को ASA फायरवॉल के थोड़ा सा भी जानते हो, तो सिस्को ASA फायरवॉल पे कुछ डिफॉल्ट चीजें होती हैं। डिफॉल्ट का मतलब जैसे सिस्को ASA फायरवॉल है, सिस्को ASA फायरवॉल का कोई इंटरफेस आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल Geno/0, अगर इस इंटरफेस पे आपने एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है सिस्को के अंदर, सिस्को ASA फायरवॉल के अंदर एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसका नाम है इनसाइट, INSID, आपने फास्ट इथरनेट 0/0 पे बोला इनसाइट, तो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस पे सिक्योरिटी लेवल मिल जाता है 100। और अगर आपने कोई और इंटरफेस, आपका फास्ट इथरनेट 0/1, और इस इंटरफेस पे आपने कुछ भी कीवर्ड डिफाइन किया, अपना नाम डिफाइन कर लिया, बिना नाम डिफाइन कर लिया, इनसाइट छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा आउटसाइड, सो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस पे एक सिक्योरिटी लेवल मिल जाएगा, वो होगा 0। तो ये कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शन है।
और सिस्को एसी फायरवॉल पे क्या होता है, जैसे आपका ये एक इंटरफेस है और एक वैन इंटरफेस है, आपने इस इंटरफेस पे क्या बोला इनसाइट, राइट, तो इस पे सिक्योरिटी लेवल क्या हो गया 100। आपने इस इंटरफेस पे क्या बोला आउटसाइड, तो इसका सिक्योरिटी लेवल क्या हो गया 0, इसका सिक्योरिटी क्या हो गया 0। तो बाय डिफॉल्ट सिस्को एसी फायरवॉल पे बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है, ट्रैफिक अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, आपको कोई भी पॉलिसी कन्फिगर नहीं करनी, ये डिफॉल्ट चीजें होती हैं सिस्को एएसए फायरवॉल पे। क्या होता है, ट्रैफिक आपका अलाउ होता है हायर से लोअर, आपको कोई पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं बनानी, अपने आप अलाउ होता है, आप एक फायरवॉल लो लगाओ इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दो डन कहानी, ट्रैफिक आपकी अलाउ है हायर से लोअर बाय डिफॉल्ट। बट आप अगर पॉलो अल्टो फायरवॉल की बात कर रहे हो या चेक पॉइंट की या सिस्को एफटीडी की, ये सब जोन बेस्ड फायरवॉल है, ये सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते, सिस्को ऐसे सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बट पॉलो अल्टो चेक पॉइंट फायरवॉल सिस्को एफटीडी ये जोन बेस्ड फायरवॉल टेक्निक पे काम करते हैं। तो अगर मैं किसी जोन बेस्ड फायरवॉल पे काम कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ डिफॉल्ट ऑप्शन वहाँ नहीं होता। जोन बेस्ड फायरवॉल का मतलब ये है कि आपको सारी चीजें मैनुअली कॉन्फिगर करनी है, कुछ भी बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होता, आपको मैनुअली कॉन्फिगर करनी है। मतलब आपके पास क्या है, ये लैंड जोन है आपका, ये आपका वैन जोन है, तो आपको क्या करना है, लैंड जोन बनाना है मैन्युअली, वैन जोन बनाना है, और ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस को आपने लैंड जोन के अंदर डाल दिया, इस इंटरफेस को आपने वैन जोन के अंदर डाल दिया, और आपको अगर ट्रैफिक अलाउ करना है लैंड से वैन के साइड में तो पॉलिसी भी आपको मैन्युअली कॉन्फिगर करनी है, कुछ भी डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं होता कि यहाँ से यहाँ डिफॉल्ट अलाउ है बाकी आप देख, ऐसा कुछ नहीं है। सो आप किसी भी जोन बेस्ड फायरवॉल के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आपको जोन मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस को उनके रिस्पेक्टिव जोन में डालना है, अगर ट्रैफिक आपको अलाउ करनी है तो आपको फायरवॉल पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? नाउ अब यहाँ पे क्या है, एक तो पॉलो अल्टो आपका जोन बेस्ड फायरवॉल होता है, दूसरा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल तो कोई भी होता है, सिस्को ऐसे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल है, Palo Alto, 14A, Checkpoint Firewall, Cisco FTD, Sophos Firewall, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हो, आप यहाँ पे आई पी एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाते हो, सर्विस ऑब्जेक्ट बनाते हो, ओके, एंड इन ऑब्जेक्ट्स को आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करते हो। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे वो हम लैब में डिस्कशन करेंगे, बट मैं आपको अभी आइडिया दे रहा हूँ कि Palo Alto फायरवॉल क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करते हैं। ओके, अभी मैंने बोला आपको इंटरफेसेस शुड बी कॉन्फ़िगर टू रिस्पेक्टिव जोन, तो वही मैंने बोला आपको जोन बनाना है और इंटरफेस को असाइन करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट एनी सर्विसेज लाइक पिंग, एसएसएच, एचटीटीपीएस आर नॉट इनेबल्ड ऑन डेटा इंटरफेसेस। तो ये मेरा Palo Alto फायरवॉल बॉक्स है, इन पर ये डेटा इंटरफेसेस है, ये सारे के साथ ये डेटा इंटरफेस, बाई डिफॉल्ट डेटा इंटरफेसेस पे आपकी कोई भी सर्विसेज इनेबल नहीं होती, कोई भी सर्विसेज नहीं, यानी इसका मतलब आप यहाँ पे कंप्यूटर लगा लो और यहाँ पे एक आईपी एड्रेस चल रहा है, आप अपने डायरेक्टली कनेक्टेड को पिंग करके देखो, आप पिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली कनेक्टेड को, आपने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मशीन पे चल रहा है, आप नहीं पिंग कर सकते क्योंकि बाई डिफॉल्ट सारी सर्विसेज डिसेबल होती है। बट आपका जो मैनेजमेंट पोर्ट है, मैंने बोला एक मैनेजमेंट पोर्ट होता है MGMT पोर्ट, बाय डिफॉल्ट MGMT पोर्ट पे ये सर्विसेज इनेबल होती है, सिर्फ ये सर्विसेज, पिंग, SSH एंड HTTPS। तो आपने क्या किया, मैनेजमेंट पोर्ट से एक मैनेजमेंट PC को कनेक्ट किया, आपने अपना लैपटॉप डेस्कटॉप कनेक्ट किया, एक केबल लगाई क्रॉसओवर केबल, और जो आई पी एड्रेस यहाँ चल रही है उसी चीज की आई पी एड्रेस आपने यहाँ पे कॉन्फिगर की, और भी मैंने बोला कि मैनेजमेंट पोर्ट पे आपका पिंग, SSH, HTTPS ये सर्विसेज इनेबल है तो आप उसे पिंग कर सकते हो, और अगर HTTPS इनेबल है तो आप इसे ग्राफिकली मैनेज कर सकते हो यहाँ बैठ के। सो डेटा इंटरफेस पे कोई सर्विसेज इनेबल नहीं होती और आपकी जो मैनेजमेंट पोर्ट है उस पर आपकी ये तीन सर्विसेज इनेबल होती है। नाउ अभी मैंने बोला अगर आप जोन बेस्ड फायरवॉल के साथ काम कर रहे हो, आपको ट्राफिक अगर अलाउ करना है लैन से वैन के साइड में, तो आपको सिक्योरिटी पॉलिसी कन्फिगर करनी होती है। आप Palo Alto के साथ काम कर रहे हो तो उसको बोल रहे हो आप सिक्योरिटी पॉलिसी, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी कन्फिगर टू कम्युनिकेट बिटवीन मल्टीपल जोन्स। सो लैन से वैन जोन की तरफ जाना है सिक्योरिटी पॉलिसी, लैन से DMZ की तरफ जाना है सिक्योरिटी पॉलिसी, वैन से लैंड की तरफ जाना है सिक्योरिटी पॉलिसी। Palo Alto में इसको बोलते हो आप सिक्योरिटी पॉलिसी, 14 में इसको बोलते हो आप फायरवॉल पॉलिसी, सिस्को FTD के अंदर बोलते हो आप ACL कंट्रोल,
चेक पॉइंट के अंदर बोलते हो आप एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, तो सारी चीजें सेम है। नाउ ट्रैफिक इज यूनिडायरेक्शनल, ट्रैफिक इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी अगर ट्रैफिक आप, अगर आप ट्रैफिक अलाउ कर रहे हो लैंड से वैन के साइड में, तो इसके लिए सेपरेट फार्मल पॉलिसी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रैफिक अलाउ कर रहे हो वैन से लैंड के साइड में, डायरेक्शन ये है, तो आपको सेपरेट फार्मल पॉलिसी कंफिगर करनी होगी। तो ट्रैफिक क्या होता है, इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, कोई क्वेरीज है? 14 इज ऑल्सो जोन बेस्ड फार्मल? नहीं ध्रुनल, नहीं जोन बेस्ड फार्मल नहीं होता वो, वहां पे जोन का कॉन्सेप्ट होता है ध्रुनल, ठीक है। और SP3 सिर्फ पॉलो ऑल्टो का नहीं है, और SP3 हर कोई, हर जितने सारे नेक्स्ट जनरेशन फार्मल होते हैं वो SP3 आर्किटेक्चर को ही फॉलो करते हैं, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग। ध्रुनल 14 जोन बेस्ड फार्मल नहीं है, वहां पे जोन का ऑप्शन आता है, लेकिन वो जोन का ऑप्शन ये है कि आपको, आप मान लो आपके पास तीन इंटरफेस है, ठीक है, तीन इंटरफेस है, इंटरफेस 1, 2, 3, आपने तीन इंटरफेस को कंबाइन करके एक जोन के अंदर डाल दिया, ठीक है। और जब आप फार्मल पॉलिसी बना रहे हो तो उन तीनों इंटरफेस को एक एक करके ऐड करने से अच्छा है आप उस जोन जो नेम आपने बनाया था ना उसको ऐड कर दो, ठीक है। यस राइट राइट, सो ऑफर पालो ऑल्टो में अपने को ये नहीं करना पड़ता है, पालो ऑल्टो में, पालो ऑल्टो क्या है, जोन बेस्ड फार्मल, वो जोन बेस्ड फार्मल ही है, तो वहां पे जोन आपको बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, आपको जोन बनाना पड़ेगा, इंटरफेस को जोन में डालना पड़ेगा। और जब फार्मल पॉलिसी आप बनाते हो तो उसमें आपको इंटरफेस अप्लाई नहीं करना, तो उसमें आपको जोन बताना कि ट्रैफिक लैंड से 40 फायरवॉल में अपने को इंटरफेस अप्लाई करना, यस एक्जेक्टली, यस 48 फायरवॉल पे अगर आप काम करते हो तो वहां पे आपको इनकमिंग इंटरफेस एंड आउटगोइंग इंटरफेस डिफाइन करना, राइट राइट, क्लियर, थैंक यू, या श्योर। नाउ अब यहां पे आते हैं, अब यहां पे क्या है, ट्रैफिक इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, अभी मैंने बताया अगर लैंड से वैन की तरफ ट्रैफिक अगर जा रही है तो आपको सेपरेट फायरवॉल पॉलिसी चाहिए, अगर वैन से लैंड की तरफ बनाना है आपको तो सेपरेट फायरवॉल पॉलिसी चाहिए। Now, अगर आपने पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग यानी PBF पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग आपने किया है तो वो ओवरराइड कर देगा सिक्योरिटी पॉलिसी रूल को। तो ये आपके कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, फॉर पैकेट फ्लो हम बात करते हैं, पैकेट फ्लो हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आए। पैकेट फ्लो के लिए हमारे पास पूरा प्रॉपर नोट्स है जो हम डिस्कशन करेंगे, पैकेट फ्लो क्या होता है, यहाँ पे पूरा हमारे पास प्रॉपर स्लाइड है, नोट है हमारे पास कि पैकेट फ्लो कैसे होता है पॉलो ऑल्टो फायरवॉल पे, ये हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ऑप्शंस। बट राइट नाउ मैं आपको अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ पैकेट फ्लो का कि ट्रैफिक पॉलो ऑल्टो फायरवॉल पे कैसे ट्रेवल करती है। तो ये आपका पूरा का पूरा पॉलो ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स है, ठीक है, और जैसे ही कोई ट्रैफिक आपकी इस इंग्रेस इंटरफेस पे हिट करती है, इंग्रेस इंटरफेस उस पर हिट कर रही है, तो पॉलो ऑल्टो क्या करता है, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग करता है, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग। और इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग में वो क्या चेक करता है, ट्रैफिक आपकी किस जोन से आ रही है, कौन सा सोर्स जोन है, कौन सा सोर्स एड्रेस है, कौन सा यूजर अकाउंट है, और वो वेरीफाई करने के बाद ये क्या चेक कर रहा है कि उससे रिलेटेड, क्योंकि जब जैसे वो ट्रैफिक हिट करेगी उसे एड्रेस की इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उससे रिलेटेड क्या मेरे पास राउटिंग टेबल में कोई एंट्री है, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, या कुछ एंट्री है मेरे पास, यानी राउटिंग लुकअप चेक करता है। और फिर देखता है उस डेस्टिनेशन जाने के लिए कोई डेस्टिनेशन जोन है मेरे पास, यानी पॉलो ऑल्टो क्या वेरीफाई करता है, ट्रैफिक किस जोन से आ रही है और किस जोन पे उसको जाना है, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग के अंदर वो वेरीफाई कर रहा है ट्रैफिक किस जोन से आ रही है, राउटिंग लुकअप के अंदर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहा है, और वेरीफाई कर रहा है कि ट्रैफिक किस जोन पे जाना है, उसको डेस्टिनेशन जोन क्या है इसका। और अगर नेट पॉलिसी है तो नेट पॉलिसी वो वेरीफाई करेगा, देन नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहा है सिक्योरिटी प्री पॉलिसी। सिक्योरिटी प्री पॉलिसी का मतलब वो चेक करेगा कौन सा पोर्ट आपने अलाउ किया है, और अगर कोई पोर्ट अलाउ है ट्रैफिक अगर ट्रैवल करने जा रही है उसके लिए सेशन क्रिएट करेगा। जितने भी फायरवॉल होते हैं, ट्रैफिक अगर फायरवॉल के थ्रू जाती है आपकी, तो फायरवॉल क्या करता है, उसकी एक सेशन मेंटेन करता है उस ट्रैफिक, तो सेशन क्रिएट करेगा। ये जो बीच के दो टैब है एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, ये मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऐप आईडी के बारे में नहीं पता है, आपको एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी नहीं पता है, आपको डिक्रिप्शन नहीं पता है, आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं पता है, तो आपको क्लियर नहीं होगा। मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेशन क्रिएट करेगा, और अगर नेट पॉलिसी कोई कॉन्फ़िगर है तो उस नेट पॉलिसी को अप्लाई करेगा, जो भी नेट आपने कॉन्फ़िगर किया उसको अप्लाई करेगा। मैंने आपको बताया था कि हम दो नेट डिस्कशन करेंगे, सोर्स नेट एंड डेस्टिनेशन नेट। नेट पॉलिसी जो भी है उसको अप्लाई करेगा, एंड देन पैकेट को फॉरवर्ड करता है।
तो बेसिक पैकेट फ्लो क्या है, जब भी पॉल ऑल्टो फायरवॉल के पास कोई ट्रैफिक हिट करती है तो पॉल ऑल्टो क्या वेरीफाई करता है, ट्रैफिक किस जोन से आ रही हो, किस जोन को जाएगी, उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन राउटिंग टेबल के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, और अगर नेट है, नेट अगर है तो नेट को वेरीफाई करेगा, देखेगा कौन सा पोर्ट अलाउ है आपका, सेशन क्रिएट करेगा अगर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, और क्या करेगा जो नेट है वो अप्लाई करके फिर पैकेट को फॉरवर्ड करता है। तो ये बेसिक पैकेट फ्लो है ट्रैफिक में के अंदर, वो क्या वेरीफाई करता है, सोर्स जोन एंड डेस्टिनेशन जोन। नाउ अगर मैं बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जैसे मेरे पास एक पॉल ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स है, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, और इसका ये मैनेजमेंट पोर्ट है, तो मैंने इसे एक मैनेजमेंट पीसी के साथ अटैच किया, और इस पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस चल रही होती है 192.168.1.1, ये डिफॉल्ट आईपी होती है मैनेजमेंट की। वेट एक मिनट, 1.30 ओके, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, एक पॉल ऑल्टो फायरवॉल, उसका ये मैनेजमेंट पोर्ट, उसको आपने कनेक्ट किया एक मैनेजमेंट पीसी के साथ, बाय डिफॉल्ट इस मैनेजमेंट पोर्ट पे एक आईपी एड्रेस होती है 192.168.1.1, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप कंसोल से कनेक्ट करके उस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आईपी एड्रेस देते हैं मैनेजमेंट पोर्ट पे। डिफॉल्ट यूजर नेम पॉल ऑल्टो का होता है एडमिन एंड पासवर्ड होता है एडमिन। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो मैंने बेसिक लैब के लिए एक टोपोलॉजी ली, जितेश, मोशिन, सचिन, त्रुणल, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस। मैंने एक बेसिक लैब सेटअप बनाया। बेसिक लैब सेटअप का मतलब ये है गाइस कि मेरे पास एक पॉलो ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स है और एक मैनेजमेंट पीसी है, बस दो डिवाइस है मेरे पास, ठीक है, दो डिवाइसेस है मेरे पास। So, अभी मैंने क्या किया, इस पॉलो ऑल्टो के मैनेजमेंट पोर्ट से मैंने इस मैनेजमेंट पीसी को अटैच किया होगा यहाँ। नाउ ये टाइम लेगा पॉलो ऑल्टो स्टार्ट होने के लिए, तब तक हम एक ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का। नितेश, मोशिन, सचिन, त्रुणल, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर करते हैं। सर, आपसे एक सर क्वेश्चन था। हाँ, सर, लास्ट टाइम सर जो लेक्चर हुआ था सर, उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? लास्ट वीक जो थी मैंने शेयर किया था मोशन, कोई बात नहीं, मैं फिर से शेयर कर दूंगा आज। सही सर, थैंक यू सो मच। मैं इस सेशन की वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? शुक्रिया। मैं उसको एक ड्राइव पे डाल लेता हूं और आपको शेयर कर लेता हूं, नो प्रॉब्लम। जी, थैंक यू सर। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, जितेश, त्रुणल, सचिन, मोशन। ओके श्योर, ठीक है, पॉलो स्टार्ट होगा फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। सर, एक क्वेश्चन है। यस त्रुणल, यस सर, जो थ्रूपुट है ना, हां हां, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि मुझे लगा कि फायरवॉल में कुछ अलग रहेगा थ्रूपुट। नहीं नहीं नहीं, सेम रहता है थ्रूपुट, सेम सेम। हां, थ्रूपुट एक कॉमन कीवर्ड है किसी भी डिवाइस की। या वॉल्यूम कैलकुलेट करता है ट्रैफिक का, राइट? ये अभी टाइम लेगा स्टार्ट होने, क्योंकि कम से कम 5 मिनट लेगा ये, तब तक हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है? हम 4:55 पे हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है सचिन, नितेश, मोशिन? 4:55 पे हम कंटिन्यू करते हैं। माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए।
हेलो हेलो सचिन मोशी नितेश त्रुणल सबको मेरी आवाज आ रही है। हाँ ये सर ओके सो टोपोलॉजी हमारे पास क्या है?
एक पॉलो अल्टो फावल है मेरे पास, दूसरा क्या है एक मैनेजमेंट पीसी। तो ये आपका क्या है कंसोल है, ये कंसोल पेज है। यूजर नेम अभी मैंने आपको क्या बताया, एडमिन होता है यूजर नेम, एंड पासवर्ड क्या है एडमिन, एडमिन। तो यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, और ये आपका कंसोल पेज है पॉलो अल्टो फायरवॉल का। सिस्को के अंदर होता है यूजर exec मोड, वैसा ही ऑप्शन। क्वेश्चन मार्क टाइप करो, ये सारे कमांड्स आप टाइप कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास। नाउ सबसे पहले मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ शो सिस्टम, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो मैनेजमेंट कोड है आपका, उस कोड पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है। आप ध्यान से देखो आईपी एड्रेस के बारे में क्या बोल रहा है, अननोन मास्क, अननोन डिफॉल्ट गेट पे अननोन। यहाँ पे पहले मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस चल रही है। कमांड क्या है, सो इंटरफेस मैनेजमेंट, कोई आईपी एड्रेस नहीं है। अगर मुझे मैनुअली कॉन्फ़िगर करना हो मैनेजमेंट कोड का आईपी एड्रेस, कमांड सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हूँ और यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ क्या, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मैनेजमेंट पोर्ट पे डीएससीपी की सर्विस इनेबल होती है। बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट पे डीएससीपी की सर्विस इनेबल होती है। तो अगर ये मैनेजमेंट पोर्ट से कोई डीएससीपी सर्वर आपने कनेक्ट किया है ना, तो ये आईपी एड्रेस वहां से ले सकता है। बट मुझे आईपी एड्रेस मैनुअली कॉन्फिगर करना है, तो मैं यहाँ पे बोलो टाइप स्टैटिक, इसका मतलब मुझे आईपी एड्रेस मैनुअली कॉन्फिगरेशन करना है। क्लियर है कमांड सिंटैक्स जितेश, मोशिन, सचिन, ट्रोनल? यस सर। नाउ एंटर एंड नाउ अब मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ मैनेजमेंट पोर्ट। कमांड सिंटैक्स क्या है, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। और फॉर एग्जांपल मैं आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ 199.199.199.1. नेट मास्क, आप मैं यहाँ पे मास्क डिसाइड कर सकते हो 255.255.255.0, प्रेस एंटर, डन। आपको एक चीज और क्लियर करनी, जब भी आप कुछ चेंजेस कर रहे हो पॉलो अल्टो फायरवॉल के अंदर, जैसे आप पॉलो अल्टो के अंदर काम कर रहे हो, सिस्को अगर आपको याद होगा तो वहां पे कुछ भी चेंजेस आप करते हो, कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए कमांड होती है WR, याद है? 48 के अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी होती तो कमांड होती है एंड। पॉलो अल्टो के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन अगर सेव करनी हो तो कमांड होती है कमिट, जूनिपर में कमिट होती है, यहाँ भी कमिट होती है। जब भी आप कुछ चेंजेस करेंगे क्या करेंगे, आप कमिट टाइप करेंगे। अब जैसे मैंने कमिट टाइप किया, यहाँ पे एरर आ रही है, कह रहा है कि सर बहुत सारे अभी क्यू में क्या है, बहुत सारे प्रोसेस अभी पड़े हुए तो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कमिट फोर्स, यानी मैं अपने पॉलो अल्टो फायरवॉल को बॉक्स को ये बोल रहा हूँ कि पहले जो अभी मैंने चेंजेस किया ना, पहले इसको आप प्रोसेस करो, बाकी को क्यू में रहने दो, जो प्रोसेस बैकग्राउंड में अभी लोड हो रहा है। तो मैंने कमिट फोर्स टाइप किया। तो नॉर्मल कमिट और कमिट फोर्स में आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कमिट फोर्स का मतलब कि मैं बाकी जो प्रोसेस है उनको साइड करके पहले मैं उसको बोल रहा हूँ कि जो अभी मैंने चेंजेस किया है उसको आप पुश करो, उसको आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव करो, तो कमिट फोर्स, अदरवाइज आप कमिट प्रेस कर सकते। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी, जो आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है, वो मैं सेव करने की कोशिश करूँ तो ये टाइम लेगा। तब तक आप यहाँ इस मैनेजमेंट पीसी पे आ जाओ और यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस चल रही है उसी चीज़ के आईपी एड्रेस यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, सो यहाँ चल रहा है 192 का सीरीज, जबकि हमने पॉलो अल्टो के मैनेजमेंट पोर्ट पे क्या आईपी एड्रेस डिसाइड किया 199। तो यहाँ पे आपने ncpa.cpl प्रॉपर्टीज इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी वर्जन 4 आईपी एड्रेस हम क्या यूज करते हैं 199.199.199.10 ले लेते हैं। मास्क ओके क्लोज, आईपी एड्रेस आप वेरीफाई करो आईपी कॉन फिग, यस हमारे पास आईपी एड्रेस है। याद है मैंने बोला था मैनेजमेंट इंटरफेस पे, ये जो मैनेजमेंट इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट 3 सर्विसेज इनेबल होती है, मैं डिस्कशन किया था अभी पहले। बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट पोर्ट पे कौन कौन सी, पिंग, SSH एंड HTTP। यानी अगर मैं यहाँ से, इसका मतलब अगर मैं मैनेजमेंट पीसी से यहाँ से बैठ के अगर मैं उस मैनेजमेंट पोर्ट को पिंग करूँ तो कनेक्टिविटी
मुझे रिप्लाई मिलनी चाहिए, बट पहले आप ये क्लियर करो कि आपका जो आईपी एड्रेस है जो आपका 99 है, अगर आप पिंग करते हो 1 पे आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा क्योंकि अभी तक कॉन्फिगरेशन कम्बिट नहीं हुआ। क्लियर है जितेश, सचिन, मोशिन, सुनल? तो ये आपका टाइम नहीं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये कॉन्फिगरेशन को चेंजेस कर रहे हैं। हम थोड़ा स्लाइड पे आते हैं, ठीक है? ये स्लाइड में आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं, तो फिर से सारे स्लाइड्स को शेयर कर दूँ। नो, अब यहाँ पे क्या है, अभी मैंने बोला यूजर नेम एडमिन होता है, पासवर्ड एडमिन होता है, बाय डिफॉल्ट डीएसईपी की सर्विस इनेबल होती है, इसलिए हमने आईपी एड्रेस मैनुअली कॉन्फिगरेशन किया था। जब तक ये कॉन्फिगरेशन चेंजेस हो रहा है तब तक हम यहाँ पे आते हैं। तो एक कमांड हमने टाइप की थी सो इंटरफेस मैनेजमेंट, ये कमांड किस लिए होती है, अपने मैनेजमेंट इंटरफेस की आईपी एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। तो हमने जब वेरीफाई किया था कोई आईपी एड्रेस नहीं था, तो हमने आईपी एड्रेस मैनुअली कॉन्फिगरेशन किया। ये कमांड है आपकी सो सिस्टम इन्फो, डिवाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, जैसे मॉडल कौन सा है, पोर्टीओएस का वर्जन कौन सा है, लाइसेंस इंस्टॉल है कि नहीं, मोड कौन सा है फायरवॉल का, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सो सिस्टम इन्फो दे सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आई पी एड्रेस देने के लिए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कमांड सिंटैक्स यूज किया था, सेट डिवाइस कॉन्फिग सिस्टम आई पी एड्रेस, आपने आई पी एड्रेस दिया था मास्क। ओके, नाउ अगर आपको फायरवॉल, आपके पास उसको भी फायरवॉल है पालो अल्टो फायरवॉल का, और उस पर ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, अगर आपको उसको डिफॉल्ट फैक्ट्री रीसेट पे लेके जाना है, जैसे आप सिस्को के अंदर करते हो या अदर वेंडर के अंदर करते हो, डिफॉल्ट फैक्ट्री रीसेट पे आपको जाना है, तो कमांड सेट टेक्स्ट क्या है आपका, रिक्वेस्ट सिस्टम प्राइवेट डेटा रीसेट। अब ये कमांड सेट टेक्स्ट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ सी एल एफ पहले ये। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंजेस हो गया, एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है मुझे, कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली, यानी कोई एरर मेरे पास नहीं है। और अब अगर मैं जाके एग्जिट करूँ और शो इंटरफेस मैनेजमेंट कमांड टाइप करूँ, तो अब मुझे उसी मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दिख रहा है। और यहाँ से अगर मैं पिंग कर रहा था कुछ देर पहले डेस्टिनेशन होस्ट और निचवल आ रहा था, अब अगर मैं उसी को पिंग करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, रिप्लाई मिल रही है, यानी मेरी कनेक्टिविटी। ओके, थोड़ा सी एल आई पे हम आते हैं, यहाँ पे इस कमांड को वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आपको डिफॉल्ट फैक्ट्री रीसेट के साथ जाना है, कमांड क्या होती है, रिक्वेस्ट सिस्टम प्राइवेट डेटा रीसेट। मैं कमांड लिख के एंटर प्रेस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम लेगा, मैं सिर्फ आपको कमांड का सिंटेक्स बता रहा हूँ, ये आप अपने लैब में एग्जीक्यूट करेंगे। बट कमांड क्या होती है, रिक्वेस्ट सिस्टम प्राइवेट डेटा रीसेट, आप प्रेस करेंगे फॉलो ऑल टू फॉरवर्ड का रीस्टार्ट होगा और कॉन्फ़िगरेशन आपकी इरेज़ हो। क्लियर है कमांड सिंटैक्स? मैं रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 5 to 10 मिनट ले रहेगा स्टार्ट होने। अगर आपको शटडाउन करना हो, शटडाउन करना हो फॉलो टू फायरवॉल बॉक्स सीएलआई के थ्रू, सो रिक्वेस्ट शटडाउन सिस्टम, इंटरप्रेस करिए शटडाउन। रीस्टार्ट करना है आपको, रिक्वेस्ट रीस्टार्ट सिस्टम, प्रेस एंटर, रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे पहले इस मैनेजमेंट पीसी से, तो मेरे पास अगर कनेक्टिविटी है तो मैं कोई भी ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, कोई भी ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, 199.199.199.1 HTTPS 199.199। मेरे पास गूगल क्रोम है, मैंने उसके अंदर आई पी एड्रेस टाइप किया, बाय डिफॉल्ट पिंग HTTPS और SSS की सर्विसेज इनेबल होती है, तो अगर HTTPS इनेबल है तो मैं इसे ग्राफिकली एक्सेस कर सकता हूँ, एडवांस और प्रोसीड। और ये जो आपका लॉगिन पेज आपको दिख रहा है, ये पालो ऑल्टो का ग्राफिकल लॉगिन पेज। यूजर नेम मैंने बताया था आपको क्या होता है, एडमिन, पासवर्ड डिफॉल्ट क्या होती है, एडमिन, यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड एडमिन है। अच्छा, जैसे मैंने लॉगिन किया मेरे पास एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, आपसे बोला योर डिवाइस इज स्टिल कॉन्फिगर्ड विद द डिफॉल्ट एडमिन अकाउंट क्रिएशन, आपसे बोल रहा है कि जो आप लॉगिन कर रहे हो ना, जो आपका डिवाइस अभी कॉन्फ़िगर्ड है, वो डिफॉल्ट जो एडमिन अकाउंट और एडमिन पासवर्ड है उससे लॉगिन किया आपने, वही कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये तो सबको जानता है। तो आपसे कह रहा है कि प्लीज चेंज पासवर्ड,
कोशिश करो कि आप पासवर्ड चेंज कर दो। तो ये मैं लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका Palo Alto Firewall का ग्राफिकल पेज, और टाइम लेगा ये। Now, ये आपका ग्राफिकल पेज है, ठीक है। Palo Alto Firewall का क्या है कि ग्राफिकल पेज है, और इस ग्राफिकल पेज पे मल्टीपल टैब है। देखिए आप, डैशबोर्ड है, ACC, मॉनिटर, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क, डिवाइसेस, मल्टीपल टैब आपके पास, इन टैब्स पे आपको काम करना है। अच्छा, सबसे पहले हम डैशबोर्ड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड का जो टैब है वो आप मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, और ये आपका पूरा का पूरा आपका डैशबोर्ड है। ये पूरा इतना, ये आपका डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड पे कुछ डिफॉल्ट टैब पहले से अवेलेबल है, कुछ आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। जैसे डैशबोर्ड पे पहली इंफॉर्मेशन के, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। आई होप अब दिख रहा होगा सबको प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या आपके पास है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पे तो मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे डिवाइस का नाम क्या है, PAP, मैनेजमेंट आईपी एड्रेस 199.199.199, मास्क, गेटवे आपका सेटअप नहीं किया हुआ है, मैनेजमेंट आईपी एड्रेस 6 आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन, लिंक लोकल एड्रेस, मॉडल PAVM है, यानी ये VM फायरवॉल है जो आप टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, सीरियल नंबर अननोन है, CPU ID, UUID, VM लाइसेंस नन, आप जिस OS वर्जन के साथ काम कर रहे हो वो 9.0.1 के साथ आप काम कर रहे हो, आपको डेट एंड टाइम एप्लीकेशन वर्जन आपको मिल रहा है, यू आर फिल्टरिंग वर्जन, टाइम मिल रहा है आपको, अप टाइम मिल रहा है, सिस्टम रिसोर्स। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सेम इन्फॉर्मेशन आप CLI के थ्रू भी देख सकते हो। अभी आपको मैंने बोला था एक कमांड होता है शो सिस्टम इन्फो, आप CLI पे आ रहे हो और कमांड टाइप करो शो सिस्टम इन्फो, सो आपके पास जो आउटपुट आपके पास आ रहा है वो आ रहा है कि PAVM होस्ट नेम, यहाँ पे ऑप्शन है, आईपी एड्रेस, ओके, आपने गेटवे सेट नहीं किया है, मास्क आपको दिख रहा है, डिफॉल्ट गेटवे सेट नहीं किया। जो इन्फॉर्मेशन आप वहां पर देख रहे थे वही इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है, CLI के थ्रू मिल रही है ना। तो ये आपका नेक्स्ट टैब हम बात करते हैं जिसमें सिस्टम रिसोर्सेज, इसका नाम है सिस्टम रिसोर्सेज के अंदर आपको मिल रहा है मैनेजमेंट CPU का यूटिलाइजेशन कितना है, डेटा प्लेन का जो CPU उसका यूटिलाइजेशन कितना है, ओके, लॉग इन एडमिन कितने लोगों ने इस फायरवॉल पे लॉग इन किया हुआ है, तो यस एडमिन से लॉग इन किया आपने, एडमिन ने लॉग इन किया है ग्राफिकल पेज से इस मशीन पे बैठ के, इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है आप यहाँ पे वेरीफाई करो, इस मशीन का आईपी एड्रेस आप ही ने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है 199.199.10। एक आपका ग्राफिकली मैनेज एक्सेस हुआ है ये टाइम पे सेशन स्टार्ट हुआ है, और दूसरा ये आपका कंसोल जो आपको दिख रहा है, एडमिन यूजर ने कंसोल लिया हुआ है CLI का। डेटा लॉग अभी कोई अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है, कोई डेटा ट्रैफिक है नहीं हमारे पास। सिस्टम लॉग्स आपको मिल सकती है, जैसे अभी आपने लॉग इन किया दिख रहा है कि अभी आपने कनेक्शन बनाया है
इस पॉल ऑल्टो बॉक्स से आपने लॉगिन किया है इस मशीन से बैठ के, सिस्टम रिलेटेड लॉग्स, यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन, सिस्टम रिलेटेड लॉग्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, कॉन्फ़िग लॉग्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, लॉग्स अभी कोई लॉग कोई फॉर्म नहीं है आपके पास, ACC रिस्क फैक्टर, ये कुछ डिफॉल्ट टैब है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट वैसे टैब को आप वेरीफाई करते हो, बट आपको लगता है कुछ और टैब आपको ऐड करने हैं तो आपने क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ पे एप्लीकेशन है, सिस्टम है, लॉग है, तो एप्लीकेशन के अंदर आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ टॉप एप्लीकेशन, सो अगर मुझे टॉप एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए जो थ्रू द फायरवॉल जा रहा है, या टॉप हाई रिस्क एप्लीकेशन कौन सा यूज हो रहा है, या अगर मेरे नेटवर्क में मुझे इंटरफेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे ऐड करते जाओ, आपने अपने नेटवर्क में फॉर एग्जांपल हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन किया है इंफॉर्मेशन, लॉग के अंदर आपको थ्रेट लॉग देखने हैं बैठे बैठे, आपको यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग लॉग्स देखने हैं, आप ऐड करते जाओ। अब ये जो आपको दिख रहा है ये तीन कॉलम में, एक दो तीन, आप इन कॉलम्स को चेंज करके टू कॉलम में कर लो, ये टू कॉलम में है, आपको लगता है मुझे थ्री कॉलम में चाहिए तो आप थ्री कॉलम में चले जाएं, इवन आप अरेंज भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाई अवेलेबिलिटी यहाँ रहेगा और इंटरफेस को यहाँ रहेगा, तो आप अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हो, ठीक है, और टॉप एप्लीकेशन आपकी जो है वो यहाँ रहेगी, तो आप अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हो। ये जो पेज है इसका रिफ्रेश टाइम जो डिफॉल्ट है वो 5 मिनट है, आपको लगता है नहीं हर एक मिनट के बाद अपने आप ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा, आपको बार बार यहाँ पे क्लिक नहीं करना, या आपको कोई काम है आपको मैनुअली करना है तो आप यहाँ पे प्रेस करके मैनुअली रिफ्रेश कर सकते हैं, अदरवाइज आप टाइमर सेट कर दो, हर एक मिनट के बाद ये पेज क्या होगा रिफ्रेश होगा अपने आप। क्लियर है यहाँ तक सचिन, जितेश, मुशीन, प्रणव, एवरीवन? यस सर, परफेक्ट। नाउ अब हमारे आते हैं यहाँ पे, यहाँ आते हैं डिवाइस टैब पे, डिवाइस टैब पे आप क्लिक करो और आप क्लिक करो सेटअप के ऊपर, डिवाइस के अंदर सेटअप टैब पे आप क्लिक कर दो, यहाँ हम पहले बात करते हैं इंटरफेस पे, पहले बात करते हैं या पहले आप चलो मैनेजमेंट की बात करो, यहाँ एक टैब है मैनेजमेंट, डिवाइस सेटअप देन मैनेजमेंट, इसके अंदर एक टैब है जनरल सेटिंग, तो आप यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करोगे, देखो आपको दिख रहा है कि पालो ऑल्टो का होस्ट है, डिफॉल्ट वाला चल रहा है PAVM, अगर आप ध्यान से देखो तो PAVM, आपको लगता है आपको होस्टिंग चेंज करना है तो मैं रख रहा हूँ PAVM 888 समथिंग, आपको लॉग इन बैनर सेट करना है, वेलकम पालो ऑल्टो नेटवर्क, क्लिक ऑन ओके, आप टाइम जोन भी सेट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, US और ये एशिया जो भी आपको सेट करना है, डेट और टाइम जोन आपको सेट करना है, और क्लिक ऑन ओके। अभी मैंने बोला जब भी आप कुछ चेंजेस करोगे पालो ऑल्टो बॉक्स के अंदर, तो आप अगर CLI पे हो तो आप क्या करोगे कमिट, यानी पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप कमिट लिख के प्रेस करोगे, या अगर आप ग्राफिकल हो तो ग्राफिकल पेज पे यहाँ पे टैब है कमिट का, आपको ये दिख रहा होगा कमिट टैब, जब भी आपको चेंजेस करो कमिट बटन पे क्लिक करो और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को आप कमिट कर सकते हो, कमिट मैंने क्लिक किया और कमिट, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी कमिट हो रही है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, ऑपरेशन है, स्टेटस, रिजल्ट, प्रोग्रेस, डिटेल, वार्निंग, तो अभी क्या है आपको बोल रहा है प्रोग्रेस, यानी जो अभी आपने कमिट किया है वो अभी पुश हो रहा है फायरवॉल के अंदर, अभी प्रोग्रेस पे, तो जैसे ये पुश होगा तो हम अगर रेफरेंस यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो होस्ट नेम चेंज होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट क्या चला PAP, तो मैं यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करूँ 99% लगभग हो चुका है, अगर आप एंटर प्रेस करो, अच्छा पहले आप इसको कमिट होने दो, जैसे ही कमिट हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि ऑपरेशन कमिट हुआ है, स्टेटस कंप्लीटेड हो गया, रिजल्ट सक्सेसफुली कमिट हो गया, और वार्निंग पेज कह रहे कोई वार्निंग नहीं है, ओके कोई एरर प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करो, देखो होस्ट नेम चेंज हो गया आपका, क्लियर है सचिन, जितेश, मोशिन, प्रणल? नाउ अब हम जा रहे हैं इंटरफेस टैब पे, यहाँ पे इंटरफेस टैब, और जो आपने मैनेजमेंट को IP address दिया था CLI के थ्रू, ये आपका वेब मैनेजमेंट पोर्ट है जिस पे आप ग्राफिकल के थ्रू काम करने वाले हैं, तो आपने इंटरफेस पे क्लिक किया, ये आपका मैनेजमेंट इंटरफेस, आप इस पे क्लिक कर रहे हो,
तो आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है। इन्फॉर्मेशन में क्या है, आपको मिल रहा है कि आईपी एड्रेस आपने ये कॉन्फ़िगरेशन किया था, मास्क आपने ये कॉन्फ़िगरेशन किया था, और आईपी एड्रेस आपने स्टैटिकली कॉन्फ़िगरेशन किया, तो स्टैटिक का टैब यहाँ पे, डिफॉल्ट गेट भी आप सेट कर सकते हैं। और डिफॉल्ट गेट में आपको क्या करना है, सीएलआई के थ्रू करना है, तो कमांड क्या होती है, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस पहले आप कॉन्फ़िगर करते हो, एंड देन नेट मास्क आपने मास्क डिफाइन किया, और अब आपको अगर गेटवे सेट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है डिफॉल्ट गेटवे, जो भी गेटवे सेट करना है, एग्जांपल 199.199.199.25 एंटर प्रेस कर दो, डिफॉल्ट गेटवे सेट आपका, या तो आप सीएलआई के थ्रू कर लो और या तो यहाँ पे ग्राफिकल पेज है आपके पास, ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, तो हम ग्राफिकली कर लेते हैं। शो इंटरफेस मैनेजमेंट, अभी कोई गेटवे सेट नहीं दिख रहा आपको, आपका सीएलआई कंसोल के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं तो कोई गेटवे सेट नहीं है, तो हम गेटवे सेट करते हैं ग्राफिकली। यहाँ मैंने गेटवे सेट किया 199.199.25 एग्जांपल के लिए, और ये सर्विसेज आपकी, ये सर्विसेज बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था तीन सर्विसेज आपकी इनेबल होती है, HTTPS, SSH एंड PIC, ये सर्विसेज आपकी, ये सर्विसेज आपकी इनेबल है। आपको लगता है कोई और सर्विसेज इनेबल करनी है, सिंपल सा टास्क है, आप उसे सेलेक्ट करिए HTTP, मान लीजिए मुझे इनेबल करना है HTTP, हो गया, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे एक ऑप्शन है परमिटेड आईपी एड्रेस, यानी आप ट्रस्टेड होस्ट को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, मैं चाहता हूँ कि इस पॉल ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स को सिर्फ यही मशीन मैनेज करेगी, कौन सी 199.199.199.55 ये आई पी एड्रेस मैनेज करें, सिर्फ ये आई पी एड्रेस आपने डिफाइन किया, और ये आप इसको स्लैश वैल्यू लगा लो, स्लैश वैल्यू आपके पास /32 ना, ओके किया आपने, कमिट कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, कमिट, जो भी कुछ चेंजेस करेंगे क्या करेंगे, कमिट बटन प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करेंगे, सेव करेंगे। तो हमने क्या डिसाइड किया है, इसे कौन मैनेज करेगा, 55 याद है, 55। और आप अगर इस मशीन पे आई प्रेस वेरीफाई करोगे, आपने तो इस मशीन पे आई प्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है 199.199.10, ये कमिट तो हो गया अभी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ही कमिट होगा तो आप पहले इसको यहाँ से वेरीफाई करिए, शो इंटरफेस मैनेजमेंट, तो गेटवे की आई प्रेस आपको मिल जाएगी, गेटवे मिल गया आपको 25। एंड नाउ अब अगर मैं इस ग्राफिकल पेज को बंद करूं, इस ग्राफिकल पेज को बंद करूं और यहां पे आऊं, मेरा आईपी एड्रेस 10, अभी कुछ देर पहले मैं इस पॉल ऑल्टो बॉक्स को पिंग कर रहा था, अभी कुछ देर पहले 1 को मैं पिंग कर रहा था, मैं पिंग नहीं कर सकता। अगर आप इसे ग्राफिकल मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो 199.199.199.1, आप एक्सेस नहीं कर सकते, देखिए ग्राफिकल भी नहीं कर सकते आप और सीएलआई भी नहीं कर सकते आप, क्यों, बिकॉज आपने स्पेसिफाई किया था कि सिर्फ 55 जो आईपी एड्रेस है वो मैनेज करेगा पॉलो अल्टो बॉक्स को। मैं इसका आईपी एड्रेस चेंज कर देता हूँ 55, अब अगर मैं इसको बंद करता हूँ, देखिए वेब इज नॉट अवेलेबल, अब मैं इसको बंद करता हूँ और आईपी एड्रेस फिर से चेक कर लेते हैं, अब मैं 55 यूज कर रहा हूँ, अब अगर मैं उसी आईपी एड्रेस को पिंग कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई आ रही है, और अगर अब मैं इसे ग्राफिकली एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ 199.199.1 ओनली 55 इसे एक्सेस कर सकता है, तो अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, आप एडवांस बटन पर जा रहा हूँ, प्रोसीड पे आप जा रहे हो और यूजर नेम क्या है आपका, एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन, तो मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, क्लियर है। और ये आपका लॉगिन बैनर याद है, आपने लॉगिन बैनर बनाया था, वेलकम टू पॉलो अल्टो नेटवर्क, नो यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन,
क्लियर ना हो, ये ऑप्शन क्लियर हुआ? देश, मोशिन, सचिन, प्रणल, ओके चलते हैं हम फिर से ग्राफिकल पेज पे। Now, अब मैं डिवाइस टैब पे फिर से आ रहा हूँ और आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो इंटरफेस टैब पे फिर से डिवाइस सेटअप इंटरफेस। सो अगर किसी सर्विसेज को इनेबल करना हो तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ चेकबॉक्स लगा रहे हैं, क्लिक ऑन होगी, राइट, क्लिक ऑन होगी। एक ग्राफिकली सिंपल है, मुझे बस चेकबॉक्स लगाना है, क्लिक ओके, कम हो गया। बट अगर मुझे किसी सर्विस को CLI के थ्रू करना हो तो, हालांकि सारी कॉन्फ़िगरेशन ग्राफिकली ही करेंगे, बट कुछ कुछ चीज़ें आपको लगता है CLI के थ्रू करनी है, जैसे टेलनेट की सर्विस मुझे इनेबल करनी है CLI के थ्रू। कमांड क्या है, पहले आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा रहे हो, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम सर्विस क्वेश्चन मार्क। अब ये सारी सर्विसेज आपके पास देख रहे हो। अच्छा एक चीज़ और डिफरेंस देखो आप, जब ग्राफिकल में सिर्फ इतनी ऑप्शन अवेलेबल है और CLI में इतने सर्विसेज हैं, तो ये कुछ डिफरेंस आपको क्लियर होगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको CLI के थ्रू मिल सकती है, ग्राफिकल नहीं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, तो मुझे टैलेंट की सर्विस, ये जो सर्विस है इसको मुझे इनेबल करना है बट CLI के थ्रू करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, डिसेबल टैलेंट कमांड का सिंटेक्स। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया क्या, डिसेबल टैलेंट एंड कमांड होती है नो। नो इसका मतलब क्या है, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम सर्विस डिसेबल टेलनेट नो, प्रेस एंटर। और आपने अभी कुछ चेंजेस किया तो एक बार इसको कमिट कर लीजिए। मैं इसे यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ और अभी सिर्फ यही सर्विसेज इनेबल है। जैसे ही कमिट हो जाएगा तो मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूँगा। अभी सिर्फ मुझे पिंग, HTTPS, SSH एंड HTTP की सर्विस दिख रही है। अच्छा, मैंने सबको सॉफ्टवेयर शेयर कर दिया है, सबको सॉफ्टवेयर मिल गया, जितेश मोशी सर मिल गया, मिल गया। ओके, अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने मेल आईडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। सर ये EVNG, सर ये इंस्टॉलेशन, सर ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ये सर कैसे होगी, सर ये पॉसिबल लैब सेटअप की, ये सर EVNG पालो ऑल्टो के लिए? हां, मैं वही लैब सेटअप की बात कर रहा हूं। जी, आपको मैंने सॉफ्टवेयर जो है शेयर किया, आपको मिला है? मैंने, वो काफी ज्यादा थे, व्हाट्सएप चैट के अंदर थे सर, लेकिन ईमेल पे नहीं मिला। नहीं नहीं, आपको, आप अपनी मेल आईडी चेक करिए, ठीक है। मैंने एक ड्राइव शेयर किया होगा आपको। ओके, मैं अभी चेक करता हूँ, आपको दिखा।